अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर तामिल इशाद मल्टी मीडिया से। जो डिप्टी कमिश्नर नहीं कर पाया, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नहीं कर पाया, वो आज तामिल इशाद की टीम ने कर दिखाया। विजुअल्स में आपको नजर आ जाएगा। हमने म्यूनिसिपलिटी एहलकारों को रेड हैंडेड पकड़ा है। इतनी जिंदगी तबाह करने वाले ये म्यूनिसिपलिटी एहलकार है, देख सकते हैं आप। कुत्तों की भीड़ और दूसरी जानिब से बहता हुआ पानी, जिसे करीबन 100 गांव इस पानी पे ही बचते हैं। 100 गांव ये पानी पीते हैं और 100 गांव की जिंदगी खराब करने वाली म्यूनिसिपलिटी कुपवाड़ा है। म्यूनिसिपलिटी कुपवाड़ा ने ही इनकी जिंदगी खराब की है। मैं कहूं कि ये पानी जो है, आगे जाने वाले जितने भी गांव है वो यही पानी पी रहे हैं। और रेड हैंडेड मैंने म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी को पकड़ा है, जो यहाँ पे ये गंदगी डाल रहे हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड में गंदगी डालते हुए म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी, आप विजुअल्स में क्लियर देख लीजिए, म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी है। और यही म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी यहाँ पे गंदगी डाल रही है और इस गंदगी से कितनी बदबू आ रही है आपको अंदाजा नहीं होगा। ये रहने वाले लोग यहाँ के बताएंगे कि कितनी बदबू हो रही है यहाँ पे, कितनी गंदगी है इस दरिया में। यहाँ पे ये रिवर पोहरू है और ये रिवर पोहरू यहाँ से ही जाता है। और आगे अगर हम बात करें, कुपवाड़ा टाउन के लोग यहाँ से ही पानी लेते हैं, द्रगमुला के लोग यहाँ से पानी लेते हैं, बुमहावा के लोग यहाँ से पानी लेते हैं। ये एहसास तो डिप्टी कमिश्नर को है नहीं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को है नहीं, लेकिन तामिल इशाद की मल्टी मीडिया टीम ने इनको रेड हैंडेड पकड़ाया। आज हमारे साथ यहाँ के जीज शहरी भी बात करने के लिए मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे इनसे भी आखिर क्या कुछ वजूहत है। जी हाँ, आप मुझे बताइए क्या देखा आज आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जो म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी है वो भी लगी हुई है, लेकिन म्यूनिसिपलिटी की उतने खता नहीं है क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर से बेबस है। मैंने पिछली बार भी ईओ साहब से भी ये नोट्स में लाया था, और फिर जो यहाँ के जो आर्मी के जो कैंप में लगे हुए हैं ना, जो उनके वो डंपर होते हैं, वो सारा कीचड़ कीचड़ वो इधर फेंकते हैं। लेकिन लैंड मेरी है, ये 13 कुनाल मेरी है, तो मैंने इनको कहा था कि उस दिन कि ठीक है, इसमें पर अगर आपका डंपिंग साइट नहीं है फिलहाल तो छोड़ दो, मगर इसके ऊपर कुछ लेवलिंग कर दो। कि उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैंने 10 बार मैंने आर्मी की गाड़ी यहाँ पकड़ी, उनका फोटोग्राफ भी पिक्स भी मेरे साथ है। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से को भी कहा था कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इनका डंपिंग साइट कुछ दिखा दो, लेकिन ये तो तासे मास नहीं हो रहे हैं। म्यूनसिपलिटी की इसमें जो जितने भी ईओ साहब हैं या चेयरमैन म्यूनसिपलिटी कमेटी के हैं, वो बेबस है इस जगह, क्योंकि वो उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। आगे से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम जितने भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है या यहाँ की पब्लिक है, हम 10 मरतबा उनके पास गए, उसने कहा कि मैं DC साहब का ये सामने रखूँगा ये मुतालबा, लेकिन जब DC साहब के सामने ये मुतालबा रखते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अच्छा देखो, दूसरी बात, यहाँ पब्लिक पार्क है, जो पब्लिक पार्क कुपवाड़ा में है, वहाँ जो मुर्गे वाले हैं ना, वो दिन भर वहाँ मुर्गा उतारते हैं, दिन में चल नहीं सकते, वो जो उनके वो मुर्गे मरे हुए होते हैं ना, उनको भी लाते हैं इधर। डिप्टी कमिश्नर अगर उसको ये संभालना नहीं आता, उसको कुर्सी छोड़नी पड़नी चाहिए। इसमें कौन सी बात है, अगर हम ये बात करेंगे हमें तो या तो PSA लगेगा या तो हमें कुछ और ही लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ होंगे फिर। डिप्टी कमिश्नर को अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर उसको डंपिंग साइड नहीं है, उसको LG साहब से कहना चाहिए कि हमें कुछ पैसा दे दो, हम कहीं जमीन खरीदेंगे, वहाँ इसका डंपिंग साइट बनता। इसमें क्या, इसमें कोई देखो म्यूनसिपलिटी का जो एरिया आता है ना, उसमें कीचड़ कुचाड़ कहाँ रखेंगे, वो उनको इंतजाम करना है ना कहाँ डंप। जब वो DC साहब से ये कहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम कहीं जमीन लेंगे, उसको DC साहब पैसा ही नहीं देता है। टाउन में कितना फंड आता है उसको, वो वार्ड का काम करेंगे, कुछ और का काम करेंगे। अच्छा देखो दूसरी बात, वार्ड का पैसा DC साहब करता है काम, मैकडम में लगाता है। जो म्यूनिसिपलिटी का अपना पैसा होता है ना वार्डो में खर्च करने के लिए, वो पैसा अभी वार्ड मेंबर है क्या? नहीं नहीं, वो लगाते हैं मैकडम में। हाँ। वो लगाते हैं मैकडम में। ये कौन सा तरीका है, जब किसी गरीब को ये पैसा भी नहीं पहुँचता है, इधर डंपिंग देखो ये क्या है, ये मेरी लैंड है, मेरी लैंड है। मैंने RNP से भी कहा था कि इसका कुछ ग्रेड वर्क करो, नहीं करता है, सिर्फ ये अपने बस दिन भर उधर इधर घूमते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जीरो है। चलिए नाज़रीन, लोगों की बात सुनिए आपने, लोग कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जीरो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है,
डिप्टी कमिश्नर खामोश तमाशा बैठा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती है। म्यूनिसिपलिटी हुकाम कितना कर सकती है, जितना काम वो करते हैं उससे बात करें तो ये लोग कहते हैं अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें पीएसए के तहत बंद किया जाएगा और गरीब गलती करे तो जेल या फिर पुलिस की लाठी होती है। आखिर इन अमीरों के लिए कौन सा कानून है, इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए कौन सा कानून है? डिप्टी कमिश्नर की खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती है। डिप्टी कमिश्नर खामोश तमाशा बैठा हुआ है। उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर 100 गाँव वालों के बारे में सोचेगा। जो 100 गाँव वाले इसी पानी पे बचते हैं और वो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लोग ये भी बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जब से आए हुए हैं खामोशी बैठे हैं, कोई काम तो करते नहीं है, वीआईपी मूवमेंट उसमें ज़्यादा जाते हैं। लेकिन देखिए इस पानी को और यही पानी ये लोग पीते हैं, कितनी बीमारियां फूटेगी अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारे बुजुर्ग जो है वो भी बीमार हो जाएंगे इन चीज़ों से। अब अंदाज़ा कर लीजिए, म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी रेड हैंडेड पकड़ी गई मीडिया द्वारा, गंदगी डालते हुए म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी को पकड़ा गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मुझे पता है ईओ कोपाड़ा कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि डंपिंग साइट है ही। अगर डंपिंग साइट होती, इतने सालों से डिप्टी कमिश्नर भी यहां पे तैनात है, तो डिप्टी कमिश्नर एक बार तो देखते, सोच लेते इनके बारे में कि डंपिंग साइट तो जरूरी है। अगर उसी के हाथ में नहीं है तो एलजी ऑफिस पे एक लेटर जानी चाहिए कि हमें डंपिंग साइट की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इन लोगों के मुताबिक। अब सवाल कही है, जवाब मिलना मुश्किल ही है, शायद डिप्टी कमिश्नर तो जवाब देगा ही नहीं। चंद मीडिया वालों को बुलाकर माइक सामने रख कर वो बात करेंगे, क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। अब सवाल है, जवाब क्या डिप्टी कमिश्नर शाम तक देंगे, ये अब इस पे तामिल इरशाद की नजर रहेगी। कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ लोन, शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।